बच्चों, आज हम करेंगे बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा व्यंजनों में उनके डंडों पर नीचे की ओर लगाई जाती है, ठीक उसी तरह जैसे हम छोटे ऊ की मात्रा डंडों पर नीचे की ओर लगाते हैं। र व्यंजन पर बड़े ऊ की मात्रा उसके नीचे न लगकर उसकी दाई ओर पीठ पर लगाई जाती है, जैसे र ऊ रू। आइए बड़े ऊ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं, जैसे क ऊ की मात्रा कू, न ऊ की मात्रा नू, म ऊ की मात्रा मू। ठीक इसी तरह और भी व्यंजनों पे आप लगाकर अभ्यास करें। ख ऊ खू, ब ऊ बू, स ऊ सू, ऐसे उच्चारण करके उनका अभ्यास करें। आइए शब्द चित्र पढ़ते हैं। पहला चित्र है सूरज। सू र ज सूरज। अगला चित्र झूला। झू ला जोड़ेंगे तो बन गया झूला। फूल फू ल फूल। पहले व्यंजनों को तोड़ तोड़ कर पढ़े, फिर उन्हें जोड़कर एक साथ पढ़े। क बू त र कबूतर। प त लू न पतलून। का जू काजू। आइए अब हम करते हैं समान स्वर वाले शब्द। समान स्वर वाले शब्दों को कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। जो बोलने में शब्द एक समान होते हैं उन्हें हम समान स्वर वाले शब्द कहते हैं। अब आप जब उदाहरण देखेंगे तो समझ में भी जा जाएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण। पहला शब्द आलू, इसका समान स्वर बनेगा भालू। समान स्वर में हमारा आगे का व्यंजन बदला जाता है, पीछे का व्यंजन मात्रा समेत एक समान रहता है। धूल, उसका समान स्वर हो गया फूल। अगला उदाहरण देखिए झूला। ठीक उसी तरह फूला, तो जब आप बोलेंगे तो ये सेम लगेगा, मतलब समान सा लगेगा। आलू भालू, धूल फूल, झूला फूला। आइए अब हम करते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना, शब्द दिए जाएंगे उससे आप वाक्य बनाएंगे। पहला शब्द है चाकू। छोटा सा वाक्य बनाएंगे, छोटा वाक्य, राम चाकू इधर ला। अगला शब्द खरबूजा। खरबूजा काट कर खा। फूलदान। फूलदान उधर रख। मूली, सुमन मूली खा। आप अपना भी वाक्य बना सकते हैं, सोचिए उसको लिखिए तो और भी वाक्य आप सोच सकेंगे और लिख पाएंगे। सिर्फ आपको अभ्यास करना है। आइए बड़े ऊ की मात्रा से हम कुछ कविता पढ़ते हैं। छोटी सी कविता है उसे पढ़ेंगे।
सूरज और राजू आए, फल फूल और काजू लाए। चूहा और चुहिया आए, साथ में शहतूत भी लाए। तो बताइए बच्चों, हमने कौन कौन से बड़े उ की मात्रा के शब्द पढ़े? सूरज, राजू, फूल, काजू, चूहा और शहतूत। ये सारे शब्द बड़े उ की मात्रा के हैं। आप देख सकते हैं कविता में भी जो लाल कलर से है, लाल रंग से है, वो हमारे बड़े उ की मात्रा के शब्द हैं। चलिए एक छोटी सी गतिविधि दिखाती हूँ मैं आपको, कोशिश करिएगा उसे पूरी करने की। चित्रों को देखो और उनके नाम पूरे करो। तो जैसे पहला चित्र मैंने दिया है दूध, तो अब आप इसमें क्या मिसिंग है? इसमें मिसिंग है द और बड़े ऊ की मात्रा, तो उसको आप लिखोगे तो वो पूरा हो जाएगा शब्द। तो देखिए अब हम और शब्दों को पूरा करते हैं। अगला चित्र है जूता, ज और बड़े ऊ की मात्रा, जू, ता पहले से ही लिखा हुआ है तो बन गया जूता। अगला शब्द आलू, आ लिखा हुआ है, इसमें क्या मिसिंग है? लू, तो ल और बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो बन गया आलू। आखिरी शब्द झाड़ू, झा अड़ लिखेंगे, अड़ लिखकर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा झाड़ू। तो चलो बच्चों, आप इन जितने भी शब्द आपने आज पढ़े हैं उनकी कोशिश करो उनको लिखने की अपनी किताब में, और उनको पढ़ने की भी कोशिश करो।